नमोनमः बच्चों, संस्कृत क्लास में पुनः हम सेवंथ क्लास के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इसके पूर्व में जो अभी हमने आप लोगों को लास्ट वीक में वीडियो भेजा था, सुभाषतानी श्लोकों को हमने पढ़ा। कुछ श्लोक हमने सुभाषतानी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सुभाषतानी श्लोक पढ़े। कुछ श्लोकों को हमने जूम के माध्यम से या कि जूम मीटिंग के माध्यम से पढ़े। उसी क्रम में हम इस चैप्टर को, इस पार्ट को जिसका नाम सुभाषतानी है, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। इसका परिचय तो आप लोगों को सबको पता है, फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को अवगत करा दिया गया था। तो मुझे लगता है इसके परिचय की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो हम श्लोक नंबर फिफ्थ में, सॉरी श्लोक नंबर फोर्थ में चलते हैं। श्लोक नंबर फोर्थ जो चौथा श्लोक है, चौथे श्लोक को सभी बच्चे देखेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक सामने रखें और श्लोक नंबर फोर्थ चौथा श्लोक सुनिए। चौथा श्लोक है दुर्जनेन समम सख्यम। सुनेंगे सभी बच्चे उच्चारण, दुर्जनेन समम सख्यम द्वेषम चापि नकारयेत्। उष्णः दहति चांगारः, शीतः कृष्णायते करम। पुनः एक बार उच्चारण सुने बच्चे। दुर्जनेन समम सख्यम द्वेषम चापि नकारयेत्। उष्णः दहति चांगारः, शीतः कृष्णायते करम। अब आइए हम इसके अनुवाद में चलते हैं, इसके हिंदी अर्थ में चलते हैं। पहला शब्द लिखा हुआ है बच्चों, देखेंगे दुर्जनेन। यह शब्द दुर्जन का जो सबसे पहले अर्थ आप लोग सुने, दुर्जन का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति। ठीक है, सभी बच्चों को पता चल गया होगा दुर्जन का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति। अच्छा, ये दुर्जनेन यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दुर्जनेन में विभक्ति और वचन क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? विभक्ति क्या होनी चाहिए दुर्जनेन में? तृतीया विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो दुर्जनेन हुआ। इसके पश्चात सख्यम लिखा है। सख्यम का अर्थ क्या होता है बच्चों? मित्रता। ठीक है, सख्यम का अर्थ होता है मित्रता। द्वेषम, द्वेष का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा करना, द्वेष करना। ठीक है ना, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। द्वेषम का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा करना। चापी, चापी का यदि हम चापी की संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? चा प्लस अपी। ठीक है, चापी हो गया। चा भी अव्यय है और अपी भी अव्यय है। चा का अर्थ होता है और अपी का अर्थ होता है भी, है ना। पूरा अर्थ क्या होगा? और भी। उष्णा, उष्णा का अर्थ है गरम। ठीक है, उष्णा का अर्थ है गरम। दहति, दहति का हिंदी अर्थ होता है जलाना। दहति का क्या अर्थ होगा? जलाना। सीता, सीता का अर्थ क्या होगा बच्चों? सीता का अर्थ होता है ठंडा। ठीक है ना, सीता का अर्थ होगा ठंडा। और करम, कर का अर्थ होता है हाथ। ठीक है ना, ये जो हथेलियां होती हैं इस हथेलियों को क्या बोलते हैं? करम। ठीक है, ये इस श्लोक के वर्ड मीनिंग है। अब आइए हम श्लोक का हिंदी अर्थ करते हैं। श्लोक का पहली लाइन क्या है? दुर्जनेन समम सख्यम। तो इसका अर्थ होगा दुर्जनेन अर्थात दुष्ट व्यक्ति के साथ में सख्यम अर्थात मित्रता। जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति के साथ में ना तो मित्रता अच्छी होती है। ठीक है, दुर्जनेन समम सख्यम, सख्यम अर्थात मित्रता, है ना। दुष्ट व्यक्ति के साथ ना तो मित्रता अच्छी होती है। द्वेषम चापी नकारे, द्वेष का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा करना। और जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति के साथ में हमें द्वेष भी नहीं करना चाहिए। द्वेषम चापी, और भी ऐसे व्यक्ति के साथ में ना तो हमें मित्रता करनी चाहिए और ना ही ऐसे व्यक्ति के साथ में द्वेषम अर्थात लड़ाई झगड़ा कार्य करना चाहिए। के पहले लाइन क्लियर हो गई सभी बच्चों को? दुर्जनेन समम सख्यम द्वेषम चापि ना कारयेत्। दुष्ट व्यक्ति के साथ में ना तो मित्रता अच्छी है और ना ही शत्रुता। दूसरी लाइन का हिंदी अर्थ करते हैं। उदाहरण बताया है,
ठीक है, उदाहरण के माध्यम से श्लोक को समझाया है। जिस तरीके से उष्णः दहति चांगारः, उष्णः अर्थात गरम, दहति का अर्थ होता है जलाना, चांगारः का अर्थ होता है अंगारा, जलता हुआ जैसे अंगारा है। यहाँ पर दुर्जन व्यक्ति की तुलना एक जलते हुए अंगारे के साथ में की है, अंगारे के साथ, अंगारे से की है। कैसे? जिस तरीके से एक जलता हुआ जो अंगारा है, यदि आप उसको जलते हुए अंगारे को यदि आप छूते हैं तो वह आपके हाथ को जला देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? जलते हुए अंगारे को यदि आप छुएंगे तो वह आपके हाथ को जला देगा। और यदि वही अंगारा सीता, सीता का अर्थ होता है ठंडा हो जाना, यदि वही अंगारा ठंडा हो गया, यदि ठंडे होने के बाद यदि आप उस अंगारे को छुएंगे तो वह आपके हाथ को काला कर देगा। ठीक है, अर्थात वह जो है वो दोनों परिस्थितियों में आपके लिए नुकसानदायक है। यदि आप जलते हुए अंगारे को छुएंगे तो आपके हाथ को जलाएगा, और यदि आप वही अंगारा यदि ठंडा हो जाता है, यदि आप उस ठंडे अंगारे को छुएंगे तो आपके हाथ को काला कर देगा। तो वही श्लोक में समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अंगारा होता है, उष्णः दहति चांगारः, गर्म होने पर वह आपके हाथ को जलाता है। सीता कृष्णाय ते करम, करम का अर्थ होता है हथेलियां, ठीक है ना, हाँ। और यदि वही ठंडा हो जाता है तो वह हमारे हाथ को जला देता है। तो मुझे लगता है इस श्लोक में किसी प्रकार से वर्ड मीनिंग को लेकर के या हिंदी अर्थ को लेकर के किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों, पहला ये जो श्लोक था सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आइए हम सुभाषतानी श्लोकों के लास्ट श्लोक में चलते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में देखेंगे, सुनिए सभी बच्चे इसका उच्चारण। षड दोषाः, क्या लिखा है देखिए, षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिम इक्षिता, भूतिम इक्षिता लिखा है तो क्या हो जाएगा, भूतिम इक्षिता, निद्रा, तंद्रा, भयम्, क्रोधम्, आलस्यम्, दीर्घ सूत्रता। ठीक है, एक बार पुनः सुने बच्चे, षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिम इक्षिता, निद्रा, तंद्रा, भयम्, क्रोधो, आलस्यम्, दीर्घ सूत्रता। अब इसका हिंदी अर्थ क्या है देखिए, इसका हिंदी अर्थ यह है षड दोषाः, छह प्रकार के दोष है ना। पुरुषेण, पुरुषेण का अर्थ होता है मनुष्य के, ठीक है ना। भूतिम, भूतिम का अर्थ होता है संपन्नता या उन्नति में, ठीक है ना। क्या होते हैं हातव्य, हातव्य का अर्थ ये भी होता है कि हमें छोड़ देना चाहिए, है ना, छह चीजें हमें छोड़ देना चाहिए, या मनुष्य की उन्नति में छह चीजें बाधक होती है। पहली लाइन का अर्थ है पुरुषेण, क्या लिखा हुआ है बस देखिए, पुरुष षड दोषाः पुरुषेण, छह प्रकार के दोष मनुष्य की उन्नति में बाधक होते हैं, है ना। और जो बाधक है उन छह चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए। अब छह चीजें कौन कौन सी है देखिए, बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है मनुष्य की उन्नति में कौन सी छह चीजें बाधक है, निद्रा सर्वप्रथम, बहुत ज्यादा सोना, ठीक है, बहुत ज्यादा सोना मनुष्य की उन्नति में सर्वप्रथम बाधक है, इसलिए कम सोना चाहिए, समय से सोना चाहिए, समय से हमें उठना चाहिए। तंद्रा, तंद्रा का अर्थ क्या होगा बच्चों, तंद्रा का अर्थ होता है अर्ध निद्रा, आधी नींद में रहना, ठीक है, यह मनुष्य का दूसरा लक्षण है जो आपकी उन्नति में बाधक है, इसलिए हमें तंद्रा को भी छोड़ देना चाहिए। भयम, भय का अर्थ होता है डरना, जब आप कोई भी काम करो तो आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो, उसके साथ में आप काम करें, यदि हम डर करके किसी भी काम को करेंगे तो वह हमारी उन्नति में भी वह बाधक है, ठीक है। इसके बाद होता है क्रोधम, अत्यधिक क्रोध करना, ये क्रोध करना भी हमारी उन्नति में बाधक है। आलस्यम, आलस करना, प्रमाद करना, किसी भी काम को लेकर के आलस करते रहना, ये भी मनुष्य की उन्नति में बाधक है। और अंतिम लिखा हुआ है दीर्घ सूत्रता, आपको पता है दीर्घ सूत्रता का अर्थ क्या होता है बच्चों, दीर्घ सूत्रता का अर्थ होता है किसी भी काम को देरी से करना, ठीक है, जो भी हमारा काम है उस काम को देरी से करना, उसको संस्कृत में बोलते हैं दीर्घ सूत्रता। तो यह है छह मनुष्य की उन्नति में बाधक है।
तो मैं उम्मीद करता हूं सेवंथ क्लास के सभी बच्चों से कि ये जो सुभाषितानि श्लोक हैं आप सभी बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़े होंगे, इनका हिंदी अर्थ जाना होगा और सुनने के बाद में आप इसे अपने जीवन में उतारिए। ये आपके जीवन में बहुत आपके उन्नति में सहायक होंगे। तो बच्चों इसी के साथ में यह पाठ आप लोगों का यहीं पर समाप्त होता है। नमो नमः।